प्रतापगढ़ हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति लेकर फैक्ट्री बाहर पढ़ा नमाज। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। लोगों के अनुसार मंगलवार की सुबह प्रतापगढ़ के पट्टी कुल कोतवाली क्षेत्र के उड़ैया बीज बार स्थित एक हनुमान मंदिर में दूसरे समुदाय के एक युवक ने ताला तोड़कर मंदिर में रखी बजरंगबली की मूर्ति तोड़कर बाहर फेंक दी और अपने धर्म के अनुसार कथित नमाज पढ़ने लगा। ऐसा देख वहां आसपास के लोग जुटे और उसे बाहर निकाला, उसकी पिटाई कर दी। पूछताछ में उसने बताया कि ऐसा करने के लिए उसे खुदा ने सपने में उससे कहा था। सूचना पर कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंगलवार की सुबह भोर में बाजार में हुए एक प्रकरण में बाजार था, आसपास के ग्रामीण इलाके से सामाजिक सौदा बिगाड़ सा गया। लोग इस घटना के बाद गुस्से में नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस सूचना के देने के बाद काफी देर बाद बाजार में पहुंची और युवक से पूछताछ करने में जुट गई। सर तीन लोग हैं, तो नहीं रह सकते हो? तीन है बता। ये काम किस समय की बात, रात की होगी? तीन बता रहे हैं, बता रहे हैं, दो का नाम नहीं बता रहे। अब इसके बाद कह रहे हैं हम अकेले। नाम बताओ। चलिए बताया तीन लोगों को ऐसा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह को हुक्म आ गया ऊपर। हाँ मस्जिद तोड़ जाके हुआ है, दिन मंगलवार है सारा। जो है मूर्ति रखवा दीजिए भैया, जो है ये तो जी गई है। ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। अरे सर हरो, अरे से नहीं, आप जवाब दे। ऐसे नहीं जाने देंगे। ये चीज ये पहले इन्होंने कहा है रिकॉर्डिंग में, ये हम लोग तीन लोग, तीन लोग पहले पकड़वा दीजिए, ले जाइए। पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ैया डी बाजार में एक हनुमान जी की मंदिर में उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है, पूरा मामला क्या है? ये आज सुबह एक सूचना आई थी कि वहाँ उड़ैया डी में एक हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। इस पर तत्काल दो दो थाना की पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर गए थे। वहां जो वस्तुस्थिति समझ में आई, वो एक शफीक नाम का बंदा है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन पूरे ग्रामवासियों ने बहुत ही अच्छे मानसिकता के साथ एक सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हुए उस वस्तुस्थिति को समझा और उस मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया गया है और उसकी जगह नई प्रतिमा स्थापित हो गई है। मंदिर की पुताई वगैरह चल रही है और मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति नहीं है।